दवा दे इसको। अरे का हुआ सहरे बबुआ, बैठो, ये सब तो रोज का है। अरे बोलो क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। मुझे वो चाहिए। वो नहीं मिल पाएगी। मैं उसकी कोई भी कीमत देने को राजी हूँ। तब भी नहीं हो पाएगा, वो लोग मानेंगे नहीं। 50 लाख में भी नहीं? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ में? 10 तारीख सुबह सूरज निकलने से पहले कागज तुम्हारे हाथ में होंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, हो जाएगा ना पक्का? ये लाला की जुबान है और लाला की जुबान ही लाला की ताकत है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। लाला आ रहा है, भागो। हाथ उठाला। ठाकुर साहब, लाला आ रहा है। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो तुझे यहाँ आना पड़ा? गलती तुमसे हुई नहीं है, गलती तुमसे करवाएंगे और तुम जरूर करोगे। मतलब? ठाकुर 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 महेंद्र प्रताप सिंह आज साला लाला के कदमों में पड़ा है। ये दुनिया की भी क्या अजीब लीला है, जो जमाने में टाइट है वो बिस्तर पे ढीला। 2 दिन है तेरे पास, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में इस गांव से निकल जा, वरना मुझे हरा कर तेरे दिमाग से इस गांव का खैर निकाल दे। लाला तेरे सामने कौन खड़ा होएगा? जो साला लाला के सामने खड़ा है वो जमीन पे मुंह के बल पड़ा है। रहम लाला रहम। उफ, ये रहम
लाला के पास सिर्फ दो ही चीज नहीं है, एक तो रहम और दूसरा भी रहम। लाला हम कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना बसेरा बसाएंगे? इस जगह पर बहुत लोगों की खुशी जुड़ी हुई है, बहुत अपने हैं, बहुत पराए हैं। हम गरीब लोग हैं लाला, हमें माफ कर दो लाला। अरे ये गरीब, एक गरीब और एक चोक, जहाँ चिपक जाए साला बाप का राज समझ लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब गरम चिमटा लगता है तो छुटना उसको भी पड़ता है। 2 दिन है सिर्फ तेरे पास, 2 दिन। नहीं लाला ऐसा मत कर लाला, लाला साले गरीब हट। लाला ऐसा मत कर लाला, ऐसा मत कर लाला, माफ कर दे हमें लाला, ऐसा मत कर लाला। लाला और साहब कौन खड़ा होगा लाला के सामने? होएगा कोई, जरूर खड़ा होएगा लाला के सामने। अरे ठाकुर साहब आइए, आज कैसा आना हो गया इस गरीब खाने में? आइए बैठिए ठाकुर साहब, आओ बैठो। हाँ तो ठाकुर साहब कैसा आना हुआ यहाँ पे आज? और वैसे तो मुझे खाली नहीं कर रहे गाँव, वैसे लाला ने कहा था 2 दिन में खाली कर दो, पूरे गाँव में हवा उड़ रही है, खाली करो, 1 दिन तो बीत ही गया वैसे भी। इमरोज अब तू भी ऐसे बोलेगा है? एक तू ये जो इस गांव को बचा सकता है और लाला के सामने खड़ा हो सकता है। अरे ठाकुर साहब दिमाग खराब नहीं है मेरा कोई, उसके सामने खड़ा हुआ मैं, जानते हो लाला क्या चीज है, ये नहीं है मेरे बस की। अगर और कुछ काम हो ना तो बताना, मैं चलता हूँ मैं अभी। हाँ जा, नहीं है यहाँ पर तेरी जरूरत किसी को, ना मुझे न इस गाँव को, और वैसे भी तू जाएगा ना तेरा है ही कौन यहाँ पे, ना है ना होता तेरा बाप जो हर जगह खड़ा होता तो तू आज यहाँ खड़ा होता, होती तेरी माँ जो तुझे प्यार से दो निवाले खिलाती तो तू आज यहाँ खड़ा होता, होती तेरी बहन जो बहन कम दोस्त ज्यादा तो तू आज यहाँ खड़ा होता, नहीं है तेरी जरूरत है यहाँ पे किसी को, जा चला जा। ए ठाकुर तुझसे कहा था ना लाला ने 2 दिन में जगह खाली चाहिए तो चाहिए, कहा था ना। अबे जाके कह दे अपने बाप से कि उसका बाप आ गया है, मैं खड़े हूँ लाला के सामने। तू खड़ा होएगा लाला के सामने, साले बहुत पछताएगा। आजा चल गए हट। इमरोज सुनिए तू लाला के खिलाफ खड़ा हो रहा? हाँ। पागल होगा तू पागल, तुझे पता है लाला क्या चीज है, वो इंसान के रूम में हैवान है हैवान, वो पहले इंसान को मार देता उसके बाद पूछता बता तेरी गलती क्या थी। तूने ठेका लिया था खान गांव वालों का, वो लगते कौन है तेरे गांव वाले, तुझे तो खुद को पता नहीं तू कहां से उठ कर आया, अनाथ है तू अनाथ, और मेरे भाई हमारी तो जिंदगी है अमीरों की लाते खाना उनकी बातें सुनना। छोड़ दे ये पागलपन और हो जा दूर, समझ रहा ना तू मेरी बात को? हाँ हाँ हो गया हूँ पागल, और नहीं एक गांव मेरे, इस गांव के लोग मेरे पता नहीं कहाँ से उठकाया हूँ मैं, हूँ मैं अनाथ, और नहीं ले रखा ठेका मैंने इस गांव का। लेकिन कभी शहीद भगत सिंह का नाम सुना है? अगर वो यही सोचते तो इस देश के लिए कभी शहीद नहीं होते, और नहीं करते कुछ इस देश के लिए, नहीं होते कुर्बान इस देश के लिए, अपने घर में बैठ के उनसे दाल रोटी खा रहे होते, और नहीं लिख पाते अपना नाम इतिहास के पन्नों में, गांधी जी हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमते रहे और एक ही बात बोलते रहे कि इंसान ना करो इंसान ना करो, और आज उनको ऐसी चीट पे चिपका दिया जो हिंसा की सबसे बड़ी वजह है, वो है पैसा, और हिंदुस्तान के कोने कोने में उसकी वजह से होती है हिंसा। ये लड़ाई ना किसी हिंदू की है, ना किसी मुसलमान की, ना किसी सिख की, ना किसी ईसाई की, ना किसी मुल्ला की, ना किसी पंडित की, ये लड़ाई हर इस देश के हर हिंदुस्तान की, हर गरीब की, हर मजबूर की।
पहले अंग्रेजों से लड़ाई आजादी के लिए, फिर रोटी के लिए भूख की लड़ाई, फिर अमीर की गरीब की लड़ाई। और क्या कहा तुमने? अमीर है वो, गरीब है हम, वो बात रहेगा फिर रहेंगे, लेकिन बस बात जो दोगे की और नहीं है जरूरत मुझे किसी की, चाहे वो 10 हो या 10,000। और सारा माध्यम तुम दोनों को अपने दोस्त कहने में जो इतने खोखले जज्बात रखते हो, मुझे हिम्मत देने की जगह मेरी हिम्मत तोड़ने चले आए। नहीं है जरूरत तुम लोगों की मुझे, ना तेरी ना तेरी, जाओ चले जाओ ऐसे पहले जाओ। ये बात इतने प्यार से कान में बोलने की है? और लाला ने जुबान दी है, अगर लाला की जुबान खराब हुई तो लाला बहुत कुछ खराब कर सकता है। चल जी भाई, चल भाई चल।
लोग साले भाग रहा कहाँ है? काम जी भाई ठीक तो चलो चलते हैं ठाकुर के पास। ठाकुर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कहाँ हो? सामने आओ। ठाकुर ओ ठाकुर, हमने सुना है तुम्हारी तरफ से हमारे खिलाफ कोई मसले खड़ा हो रहा है। क्या हुआ? नहीं खड़ा हो गया? हमने तो पहले ही कहा था, जो साला लाला के खिलाफ खड़ा होता है ना, वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा होता है। लाला आ गया मेरा मसीहा। क्या हुआ, सो क्या गला? लाला बहुत बोल लिया तू, बहुत सुन लिया। अब हम बोलेंगे और तू सुनेगा। ये गांव भी हमारा है और इस गांव के लोग भी हमारे हैं। अब इस गांव से हम नहीं, तू लिख लेगा और अभी लिख लेगा, समझा? अच्छा तो अब तू मसीहा का दे दिखाएगा। क्या करूँ, कोई तो सोचता नहीं है, मैंने सोच लिया। ए, निकाल ले इसकी मसिया की मसिया गर्दी।